Assalamu alaikum. My name is Shahid Ali. I am Enablers Ambassador Lahore. कुछ दिन पहले जो एक वीडियो मैंने बना के आपको प्रेजेंट की थी, उसमें ये था कि जी हमने होलसेल एफपीए के हवाले से बात की, तो उस पर काफी क्यूरीज आ रही थी कि जी हमें प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में भी बताया जाए। तो आज मैंने सोचा कि आज जो है वो एक मैं प्रोडक्ट हंटिंग पे वीडियो बना दूँ होलसेल एफपीए के हवाले से। इसके लिए जो बेस्ट टूल है वो हम कीपा यूज करते हैं, और मैं अभी आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हम कीपा को यूज करते हुए कैसे प्रोडक्ट जो है वो हंट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू होलसेल एफपीए। कीपा के हवाले से हम इसका जो डाटा है वो हम यूज करते हैं, इसका टैब और प्रोडक्ट फाइंडर पे जाते हैं। प्रोडक्ट फाइंडर यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, तो इसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस को चूज करेंगे और उसके हवाले से हम स्टेप बाय स्टेप उन पे ही बात करेंगे। अदरवाइज ये टूल एक इटसेल्फ बहुत मींस इसमें ऑप्शंस हैं, और इसके लिए मल्टीपल जो है वो वीडियोस रिक्वायर्ड हैं इस टूल को ओवरऑल एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अभी जो हमें रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उसके हवाले से हम सिर्फ बात करते हैं कि जैसे मींस अभी हमने सेल्स रैंक जो है वो एंटर करना है। हम कहते हैं कि सेल्स रैंक जिसका 40,000 है मैक्सिमम, उन प्रोडक्ट्स को फाइंड कर ले। तो यहाँ पे आपने इस टैब को भी देखना है जहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड प्रोडक्ट आ रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं। जैसे जैसे हम क्राइटेरिया एंटर करते जाएंगे इसमें ये शॉर्ट लिस्ट होती जाएंगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप है कि जी अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। अमेजोन को हमने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। हमने लिस्ट प्राइस ऐड करनी है कि किस प्राइस रेंज की प्रोडक्ट जो है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। उसमें हम मिनिमम एक भी देंगे और मैक्सिमम भी देंगे। इसमें हम मिनिमम कहते हैं जी $15 और मैक्सिमम जो है वो हम ऐड कर देते हैं $30। यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं कि किस कैटेगरी की हम प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ पे हम इसमें बहुत सारी कैटेगरीज, ये सारी अमेजोन की कैटेगरीज आ रही हैं, लेकिन इसमें से जो न्यू अकाउंट्स पे मोस्टली कैटेगरीज ओपन होती हैं वो लाइक होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, और होम किचन एंड डाइनिंग, होम मेड प्रोडक्ट्स मीन्स इस तरह की हैं। लेकिन अभी हम होम एंड किचन की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं ताकि जेनेरिक प्रोडक्ट्स आएं जो कि न्यू अकाउंट्स पे भी लिस्ट की जा सके। यहाँ पे हम बाय बॉक्स सेलर जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि बाय बॉक्स जो है वो थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, अमेजोन के पास ना हो। इसके बाद है जी हमने प्रोडक्ट की रेटिंग देनी है कि किस रेटिंग की प्रोडक्ट को हम इसमें कहते हैं जी मिनिमम जो प्रोडक्ट की रेटिंग है वो 4 होनी चाहिए, और जो मिनिमम उसको रिव्यूज हों उस प्रोडक्ट के पास वो 100 हों, मीन्स एटलीस्ट रीजनेबल प्रोडक्ट हो ताकि जिसको जिसकी सेल्स भी रीजनेबल हों, अच्छी हों, और जिसको हम इजीली जिसके सप्लायर से हम कम्युनिकेट भी कर सकें। यहाँ पे मीन्स आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन ऑफर्स। अमेजोन की ऑफर जो है वो इन स्टॉक और एंड शिपेबल ना हो, और अमेजोन ऑफर इज अ प्री ऑर्डर उसमें भी ना हो। बाकी जो है वो ऑप्शंस आप एज इट इज उसको चेक रहने दें। उसके बाद न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट का क्या मतलब है? न्यू ऑफर काउंट मीन्स के आप जो है वो कितने नंबर ऑफ सेलर जो है वो ऑलरेडी उसको सेल कर रहे हो। हम कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सेलर्स उस पर 3 होने चाहिए, और ताकि वो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट भी ना हो, और मैक्सिमम सेलर जो है वो हम कहते हैं जी 7 हो। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी स्टेप बाय स्टेप हम इन सारी ऑप्शंस को देखेंगे फर्दर जब हम एक डिटेल वीडियो इस पे मैं बना दूंगा, लेकिन अभी हम इसको सिंपल क्राइटेरिया देखते हैं। आइटम वेट जो है वो हम इसको दे सकते हैं, ये ग्राम्स में है तो हम कहते हैं 2.5 kg मींस 2500 ग्राम से वो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा वेट की ना हो। दैट्स ऑल। और अभी ये देखें हमारे पास प्रोडक्ट जो
शॉर्टलिस्ट हुई हैं वो 560 हैं। हम फाइन प्रोडक्ट करेंगे, ये बेसिकली पूल ऑफ प्रोडक्ट्स या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई हैं और इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पे मींस प्रोडक्ट का इमेज है, टाइटल है, उसकी रूट कैटेगरी है, ब्रांड है, मैन्युफैक्चरर है, बाय बॉक्स मींस सेलर है, कौन किसके पास बाय बॉक्स, बाय बॉक्स प्राइसिंग है मींस 30 डेज, 90 डेज करंट है, लिस्ट प्राइस है मींस इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको हम फर्दर जो है वो देख सकते हैं। इसमें से हम देखते हैं जी कौन सी प्रोडक्ट जो है जिसको हमने फर्दर एक्सप्लोर करना है उसके हवाले से अभी हम उस पर बात करते हैं। लाइक इस प्रोडक्ट को हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या, होम बेसिक्स ट्रिनिटी कलेक्शन पेंट्रीवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेट टर्कोइज पेपर टॉवल होल्डर। बेसिकली पेपर टॉवल होल्डर है और इसमें ये मल्टीपल इसकी वेरिएशंस भी हैं और इसमें हम देखते हैं कि कितने सेलर जो है इसको सेल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इस चीज को देखना है कि ये होलसेल एफपीए की प्रोडक्ट है भी या नहीं। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये होलसेल एफपीए की प्रोडक्ट है, जो जो टॉप सेलर हैं 3 वो प्राइम कर रहे हैं मींस वो अमेजोन एफपीए करके इसको सेल कर रहे हैं और एक जो है वो मींस एफपीएम कर रहे हैं। तो ये परफेक्टली होलसेल एफपीए की प्रोडक्ट है। अभी हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं इसके पेज पे और इसकी प्राइस जो है वो 12.55 डॉलर्स है। इसकी रेटिंग जो है वो मींस रीजनेबली गुड है। यहाँ से हम ये देख सकते हैं ये 4.6 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है, जो 79% इसके जो रिव्यूज हैं वो 5 स्टार हैं, 10% 4 स्टार हैं मींस, और बड़े कम जो है वो इसके नेगेटिव रिव्यूज हैं जो कि 3-4% है और 4% न्यूट्रल है। ओवरऑल गुड प्रोडक्ट है, अमेजोन चॉइस भी इस टाइम है और जो इसकी ओवरऑल मींस रिव्यूज हैं वो 611 रिव्यूज हैं। तो यहाँ पे हम ये कीपा का ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले हमने एक और चीज जिसको हमने कीनली ऑब्जर्व करना है वो है अमेजोन, कि अमेजोन इसमें किस मींस किस तरह से आ रहा है, या कंटिन्यूस तो नहीं है। अमेजोन हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत कम जो है वो अमेजोन जो है वो इसमें एक दो दफा एंटर हुआ है लेकिन उसके बाद से मेजरली नहीं है, मींस अमेजोन के पास बहुत ज्यादा इस पे बाय बॉक्स नहीं। उसके बाद है जी हमने सेल्स रैंक इसका देखना है। ये बहुत अच्छा बी एस आर है इस प्रोडक्ट का जो कि बहुत, ये देखें इस टाइम पे बहुत इसकी रीजनेबल प्राइस भी है और बी एस आर भी इसका बहुत अच्छा है। अगर हम इसको फर्दर एनालाइज करना चाहते हैं तो हम इसके डाटा में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको ओवरऑल प्रोडक्ट को देख सकते हैं इसकी डिटेल्स क्या है। तो इसमें ये है कि ये प्रोडक्ट का टाइटल, इमेज, रिव्यू, रेटिंग, इसकी जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, लास्ट प्राइस चेंज क्या है, लोएस्ट बेस्ट लोएस्ट एफपीए सेलर्स कौन से हैं, एफपीए पिक पैक उसकी फी क्या है 4.89 डॉलर्स है, एफबीएम सेलर मींस उसकी क्या रेटिंग है, बाय बॉक्स सेलर कौन सा है उसकी क्या रेटिंग है 100% है, मींस ये ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट जो है उसके हवाले से ये मींस यहाँ पे मेंशनड है, इसको हम देख सकते हैं। इसका पैकेज वेट क्या है वो और पैकेज डायमेंशंस आप चेक कर सकते हैं। पैकेज वेट के बाद हम इसका आइटम वेट भी चेक कर सकते हैं कि जो 431 ग्राम्स है। इसमें करंट एंड एवरेज सेल्स रैंक जो है वो इसका सेल्स रैंक बहुत अच्छा है, 3000 के अराउंड है, 30 डेज एवरेज सेल्स रैंक 4000 है, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज, मीन्स आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि जी ये एवरेज इसका लास्ट 180 डेज के अंदर सेल्स रैंक
क्या रहा। इसके बाद एक और चीज जो है कि ये मीन्स इसको ट्रैकिंग सिंस जो है वो ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स पुरानी प्रोडक्ट है, तो ये अच्छा रैंक कर चुकी हुई है। तो इस तरह से आप एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी ये एक समझे कि हमने एक अच्छी प्रोडक्ट फाइंड की है जिसमें हम इजीली जंप इन कर सकते हैं। इसके अगर हम इसके सेलर्स को देखते हैं तो सेलर्स की रेटिंग बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखें इसके ओनली सेलर्स की रेटिंग को अगर हम देखें तो ये 2 रेटिंग है टोटल। ये न्यू सेलर है, इसकी जो है वो टोटल 30 रेटिंग्स है, ये भी एज अ न्यू सेलर है, और इसकी 10 है टोटल, तो ये भी न्यू सेलर है। ये ओल्ड एक सेलर है जो कि इसको ऑलरेडी सेल कर रहे थे, लेकिन ये जो 3 सेलर्स हैं ये ऑलमोस्ट न्यू हैं। तो इसका मतलब ये है कि एज अ न्यू सेलर आपको इस तरह की प्रोडक्ट में एंटर होना इजी है। आज की वीडियो जो है वो हम यहीं पे इसको एंड करेंगे। आपके इसके वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज आप मुझे उस पर पोस्ट कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।